तो फाइनली आप देख सकते हैं इसको बहुत देर तक फेटा जाता है अभी भी और एकदम बढ़िया ग्लॉसी। तो इसकी जो मेन सीक्रेट है वो यही है कि इसको एक घंटे तक फेटा जाता है। गर्म है और देखिए इस तरीके से हमने जारे को ऊपर रख दिया है और अब यहाँ पर देखिए हमारा जो है गांठिया को इस तरीके से ऊपर से दबाते जाना है और इस बड़े वाले बर्तन में हम गांठे को ले लेंगे। 3 किलो बेसन ले लिया हमने यहाँ पर, फाइन बेसन। तो ये बेसन ले लिया, अब इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, 75 ग्राम हम नमक ऐड करेंगे। इसी के साथ में बेकिंग सोडा जो फुलाने का काम करता है वो ऐड करेंगे, 40 ग्राम ये बेकिंग सोडा। अब यहाँ पर देखिए इसको मिक्स किया जा रहा है, सोडा और नमक दोनों मिक्स होने के बाद इसके अंदर हम तेल और पानी ऐड करके एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे, तो ये ऑयल है वो ऐड हो रहा है, 1 लीटर का ये मेजरमेंट है, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1.5 लीटर। एक लीटर और इसके अंदर और आधा लीटर ऐड करेंगे तो टोटल 1.5 लीटर तेल इसके अंदर ऐड हो रहा है। अब इसके अंदर ऐड होगा पानी। बेसन के अंदर तेल को एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मोण हमने ऐड किया है वो परफेक्ट तरीके से सेट हो जाएगा, तो खस्तापन बहुत ही शानदार रहेगा। पानी अभी ऐड हो रहा है, तीन किलो बेसन के हिसाब से हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1200 ml पानी। तो अभी देखिए दोस्तों गांठिए का जो आटा लगता है, जो बेसन गूंथते हैं उसको हमें गूंथने में बहुत समय लगता है। 15 मिनट हो चुके हैं, अभी भी इसको अच्छी तरीके से जो है डो को गूंथा जा रहा है और अभी भी देखिए इसके अंदर जो तेल हमने ऐड किया है वो अभी भी चमक रहा है। तो लगभग इसको अराउंड 1 घंटे तक इसकी मालिश होगी तब जाकर ये परफेक्ट तरीके से गांठी लगाने के लिए डो हमारा तैयार होगा। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करते जा रहे हैं और इसको एकदम बढ़िया तरीके से फेटते जा रहे हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं इसको बहुत देर तक फेटा जाता है, अभी भी इसको फेटा जा रहा है। 45 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और देखिए काफ़ी एकदम सॉफ्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मालिश हो रही है, तो बेसन का जो डो है लगभग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है और काफ़ी ग्लॉसी दिख रहा है। और कलर भी इसका चेंज हो गया, बराबर एकदम वाइटनेस आ रहा है इसके अंदर। तो जो गांठिया बनेगा स्टार गांठिया बहुत ही शानदार एकदम बढ़िया वाइटनेस वाला बनेगा। तो आप देख सकते हैं मित्रों यहाँ पर एक घंटा हो चुका है, अभी भी इसको जो है फेटा जा रहा है और आप देख सकते हैं जो बेसन हमने डो लगा रहे हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और एकदम बढ़िया ग्लॉसी। तो इसकी जो मेन सीक्रेट है वो यही है कि इसको 1 घंटे तक फेटा जाता है तब जाकर परफेक्ट डो तैयार होता है स्टार गांठी बनाने के लिए, और वो भी मोटी वाली 2 नंबर की गांठी सेप जो काफ़ी मोटी होती है और स्टार डिज़ाइन में वो होती है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम अजवाइन, ये अजवाइन है। अजवाइन ऐड करने से इसके अंदर हल्का सा स्वाद भी आएगा और हल्की हल्की ये जो है। अब हम इसके ऊपर देखिए थोड़ा सा सूखा बेसन ऐड करेंगे 300 ग्राम के करीब। ये ऐड करने से क्या होता है ना, इसकी जो बाइंडिंग होती है वो परफेक्ट तरीके से हो जाएगी।
तो फाइनली यहाँ देख सकते हैं गाठिया बनाने के लिए हमारा डो रेडी है और अब हम बनाएंगे गाठी। कैसे बनेगी, फ्राई करने का तरीका क्या है, तेल का टेम्परेचर क्या है, A to Z पूरी जानकारी दी जाएगी। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और डो जो है आपने देखा है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। डो रेडी है और अभी हम जो है दोस्तों यहाँ पर ये वाला जारा यूज़ करेंगे, जारा की साइज है 4 नंबर और ये जारा हमारा ही है, लुंगी थे जारा वाला। तो चलिए अभी हम जो है गाठिया बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर तेल हमने जो गर्म कर दिया है, मीडियम आंच पर तेल गर्म है हमारा। अब यहाँ पर जारे के ऊपर हम ले लेंगे यहाँ से इस डो को, बेसन को यहाँ रखेंगे एक बार में और अब हम गाठिया बनाना शुरू करेंगे। तेल गर्म है और देखिए इस तरीके से हमने जारे को ऊपर रख दिया है और अब यहाँ पर देखिए हमारा जो है गाठिया को इस तरीके से ऊपर से दबाते जाना है। दबाते जाएंगे तो गाठिया हमारा नीचे से जो देखिए इस तरीके से तेल के अंदर तलने के लिए ड्रॉप होता जाएगा। तो ये होता है दोस्तों गाठिया को फ्राई करने का एकदम सही तरीका। तेल की आंच को मीडियम रखने का है और अभी देख सकते हैं गाठिया हमारा फ्राई हो रहा है और काफ़ी अच्छी तरीके से फूल गए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से फूल गए हैं गाठिया हमारे। और इनको हमें थोड़ा पलटी करना है ऊपर नीचे ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए और अराउंड 30 सेकंड के अंदर ये फ्राई होके तैयार हो जाते हैं। तो गाठी यहाँ पर देखिए फ्राई हो गई है और अब हम जो है इसे बाहर निकाल देंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से पक गई है और इस बड़े वाले बर्तन में हम गाठे को ले लेंगे और इसी तरीके से पूरा गाठी फ्राई करके हम ले लेते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं स्टार गाठी हमारा बनकर तैयार हो चुका है और इसकी साइज आप देख सकते हैं इतना मोटा ये बना है और काफी खस्ता बना है। ये देखिए तो इसे बनाने का जो तरीका है मैंने आपको पूरा समझाया इस वीडियो में। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट जरूर करना, लाइक और करना, शेयर भी करना। ऐसे और वीडियो देखते रहने के लिए राइडर पटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे एक और नई वीडियो में मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।